हम समझ चुके थे कि यहाँ ज्यादातर होटल जिस्म फरोशी का अड्डा बन चुके हैं। इसके बावजूद हमारी इन्वेस्टिगेटिव टीम होटल ला बुद्धा से चंद ही दूरी पर मौजूद प्रीत गेस्ट हाउस पहुंचती है, इस उम्मीद से कि शायद एक तो होटल होगा जो ये कहे कि हमारे यहाँ जिस्म फरोशी का धंधा नहीं होता। लेकिन कहते हैं ना कि हकीकत हमारी उम्मीद से ठीक उलट होती है। रिसेप्शन पर पहुंचते ही हमारी टीम सीधे लड़की दिखाने की बात करती है। इतना ही नहीं, फोटो सेलेक्ट करने से पहले ही वो शख्स एक लड़की को हमारे कमरे में ले आता है ताकि शायद फोटो सेलेक्ट करने की जरूरत ही ना पड़े। हाँ भाई, रूम चाहिए। मिल जाएगा सर? हाँ तो ये चाहिए, दो चार घंटे के लिए। दो चार घंटे के लिए, शाम की ट्रेन है 11 बजे की। क्या चार्जेस है? 500 रुपये। और कुछ हो जाएगा एंजॉयमेंट? कहाँ से आए हो? आईडी नहीं है। 4 घंटा 5 घंटा और लग बात है, काम एक करना है। हाँ हाँ, अच्छा सुनो सही, क्या बोलते हैं कितने, 2-4 है ना? एक दिखा देता हूँ, 2-4 क्या 5 दिखा दो एक काम के लिए। अरे तो भाई पसंद नहीं आया तो पसंद नहीं आ जाओ, दिखा दो पहले। एक ही है, क्या रेट है? 3000 रुपये काम। 3000 रुपये। पहाड़गंज के 5 होटलों की सच्चाई हमारे सामने थी। स्टेप इन होटल के दलाल की बेबाकी और प्रीत गेस्ट हाउस का हाल देखकर तो हम हैरान थे और यकीन कर चुके थे कि यहाँ खुले आम सेक्स रैकेट चल रहा है और इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। एक्सपोज इंडिया के पड़ताल में ऐसा लग रहा था कि पुलिस का डर केवल GB रोड जैसे कोठों तक ही सीमित रह गया है। हमारा सवाल यह है कि क्या कोई इन पुलिस वालों से पूछेगा कि आखिर इन होटलों में कैसे खुलेआम सेक्स रैकेट चल रहा है और क्या इन होटलों के मालिकों को भी कोई गिरफ्तार करेगा और इस बात की भी क्या जांच होगी कि आखिर इन होटलों के पास लड़कियां कहां से आती हैं। सवाल ये भी है कि कहीं इन होटलों के तार मानव तस्करी से तो नहीं जुड़े हैं। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, दिस इज विवेक ओबरॉय एंड यू आर वॉचिंग एक्सपोज इंडिया।